तो हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल देव श्रीवास्तव। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि आप बिल्ड क्वालिटी को जज कैसे करें। और मैं उससे पहले बता दूं कि आमतौर लोग बिल्ड क्वालिटी को जज कैसे करते हैं। पहले तो क्या करेंगे ना गाइस, ऐसे ऐसे ठोक के देख लेंगे शीट क्वालिटी, है ना, यहाँ पर ठोक के देख लेंगे। इससे वो लोग जज कर देते हैं कि हल्की क्वालिटी की है कि मज़बूत क्वालिटी की है। और दूसरा चीज़ मैं बता दूँ तो दूसरा चीज़, गाड़ी का डोर को ऐसे खोलते हैं फिर ऐसे बंद करते हैं, इसके आवाज़ से वो पता चल ये आवाज़ से वो पता करते हैं कि मतलब गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है कैसे। तो भाई ऐसा नहीं होता है, है ना। और तीसरी चीज़ जो लोग जज करते हैं, जो आपका इनसाइड इंटीरियर में जो आवाज़ करता है, प्लास्टिक आवाज़ करता है, उसे लोग जज करते हैं कि मतलब इसका बिल्ड क्वालिटी ख़राब है, ये गाड़ी नहीं लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको असली चीज़ बताऊंगा कि आप गाड़ी को जज ऐसे नहीं कर सकते। जो गाड़ी का असली बिल्ड क्वालिटी होता है, पहला चीज़ तो गाइस, गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी माना जाता है वो उसके चेचिस से माना जाता है और उसके फ्रेम से माना जाता है। चेचिस में ये देखा जाता है कि आपकी चेचिस की जो क्वालिटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी मतलब मजबूत है, स्ट्रेंथ कितना है उसमें। और जो गाड़ी का फ्रेम है जिसके ऊपर सब चीज़ बैठा हुआ है, इंजन से लेकर जो भी सीट बैठा हुआ है, उससे जज किया जाता है। और जो दूसरा चीज़ है वो है भाई, गाड़ी का बॉडी डिज़ाइन कैसा है। मतलब किसी गाड़ी, जो गाड़ी है ज़्यादा ही ऊँची रहती है, उसमें क्या होता है, बॉडी रोल का प्रॉब्लम आता है, है ना। तो गाड़ी को उसके बॉडी डिज़ाइन से भी उसका बिल्ड क्वालिटी जज किया जाता है, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। और जो तीसरा चीज़ है गाइस, वो इसका सीट क्वालिटी देखा जाता है कि जो सीट है, ये जो इसमें लोहा यूज़ किया जा रहा है, वो कितना थिक है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें और कितना थिन है, जो भी इसका मटेरियल है उससे जज किया जाता है। और जो चौथा चीज़ है वो इसके पिलर्स, ये जो ए पिलर, यहाँ बी पिलर आ जाता है, यहाँ पे सी पिलर, उसे जज किया जाता है कि उसका जो पिलर है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें, कितनी मोटाई है उतने। तो उससे सबसे मेन ये पिलर क्यों आता है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि गाड़ी ज़्यादातर इंडिया में जो गाड़ी क्रैश होती है वो ट्रक के नीचे आ जाता है, जो ट्रक का हाइट तो इतना रहता है, तो जब ट्रक के नीचे गाड़ी आता है तो यहाँ पे टकराता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है, इसके पिलर में पड़ता है। तो इसका जब पिलर स्ट्रॉन्ग होता है तो आपका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा होता है गाड़ी का, है ना। तो आपका जो भी पिलर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो ग्लोबल इनकैप जो भी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, गाड़ी को आगे से टेस्ट करते हैं, साइड से टेस्ट करते हैं, लेकिन ऊपर से कोई टेस्ट नहीं करता। इसीलिए भाई इसका जो पिलर्स है, जो भी पिलर है ABC, वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, है ना। और जो मैं पांचवी चीज़ की बात कर लूँ भाई, जो इसका एक्सल आ जाता है, सस्पेंशंस आ जाता है, जो भी इसके इंजन के पट्टे जो होते हैं वो आ जाता है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है, है ना। और भाई बिल्ड क्वालिटी में जो आपकी गाड़ी के मूविंग पार्ट्स है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, कि आपके जो टायर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, वो भी आपके बिल्ड क्वालिटी में ऐड हुए जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई, और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।